कश्मीर में 51 दिनों के बाद हालात में सुधार होने पर श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद के ऐलान के चलते दुकानें और ट्रैफिक आज भी बंद हैं। आपको बता दें कि पिछले 51 दिनों से कश्मीर घाटी में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिसकी वजह से घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था। इससे पहले रविवार को कश्मीर में लगातार 51वें दिन भी कर्फ्यू और प्रतिबंध जारी था। घाटी में हिंसा के इस दौर में सबसे खराब स्थिति ये है कि स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। घाटी में कारोबार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब तक 7,500 करोड़ रुपए के कारोबार को चपत लग गई है। गौरतलब है कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से घाटी में 9 जुलाई से हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 68 नागरिक जबकि 3 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।